नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आप स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार आपको। सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, बहुत तो सबके फॉर्म भी सबमिट हो गए हैं। अब क्या हालचाल है, क्या देखते हैं आप इसको 2024 विधानसभा? मुझे ऐसा लगता है कि चित्र स्पष्ट है, हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर से एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में आ रही है, ये चित्र स्पष्ट है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया में चर्चा चल रही है कि प्रफुल्ल गुर्जर जी ने आप उन पर उठाए हुए सवालों पर ये कहा कि पीए के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अब ये क्या बोलूं मैं, मुझे समझता नहीं है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में मैं और प्रफुल्ल गुर्जर हम दोनों नागपुर महानगरपालिका के सदस्य थे। मेरे पार्टी ने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया 2 साल, 2 बार लगातार। मेरे पार्टी ने 3 वर्ष मुझे सत्ता पक्ष नेता बनाया। मेरे पार्टी ने मुझे नागपुर का सर्वोच्च पद महापौर दिया। अब उनको मैं कहाँ से पीए लगता हूँ, ये मुझे आश्चर्य लगता है। उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। मैंने उनको पहला सवाल पूछा था कि जैताड़ा का विकास क्यों नहीं हुआ। 40 वर्षों से जैताड़ा केवल और केवल एक परिवार के हाथ में है, जैताड़ा का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जैताड़ा में एक भी मुत्रीघर आप दिखाइए, आप नगर सेवक थे, आपके पिता श्रीनगर से वक्त थे, एक भी मुत्रीघर नहीं है। जैताड़ा में एक गार्डन नहीं है जिसमें सीनियर लोग बैठ सके, उसका जवाब दीजिए आप। मैंने उनको पूछा था कि जैताड़ा में अनेक तरुण अनेक युवक है, लेकिन जैताड़ा में एक ग्राउंड आप दिखाइए कि जो आपने बनाया है। लेकिन कहाँ पे रस्ते हुए हैं, तो जहाँ जहाँ पे प्रफुल्ल गुर्जर जी के फ्लैट्स की मनी है वहाँ वहाँ पे सीमेंट के रोड बने हैं, ये कैसे क्या बने, ये सवालों के उनके पास जवाब नहीं है। और वो तुलना करते हैं हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस से, जो 21 वर्ष से आज 54 वर्ष तक राज्य के विभिन्न पदों पर जा चुके हैं, और ये इतना होने के बाद में देवेंद्र जी की ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना देवेंद्र जी बिल्डर है, जो मेरे ख्याल से प्रफुल्ल गुर्जर जी है, उनके स्कूल है, उनके कॉलेजेस है। और वो बोलते हैं कि मेरी लड़ाई ये धन शक्ति से है। अब आपने जो फॉर्म में आपका एसेट भरा है वो देख लीजिए, और देवेंद्र जी का देख लीजिए, किसका एसेट बताता है कि धन शक्ति किसके खिलाफ है ये लड़ाई, ये पता चलेगा। और मैं उनके साथ में इतने पदों पर रहने के बाद में उनको मैं पीए दिखता हूँ, शायद हो सकता है कि रात के समय में उन्होंने मेरे सवाल देखे होंगे, इसलिए उनको मैं पीए दिखाऊंगा। नहीं, आपके सवाल कहीं ऐसे चुभने लायक तो नहीं थे जिससे उनके अतीत को ठेस पहुँचे? चुभने लायक तो है, जैताड़ा का हर बच्चा पूछ रहा है आज,